त्यानु पगत दी पग तो कथा महान सुनो सुनावा त्यानु पगत दी पग तो कथा महान भगती दे विच शक्ति है ते भगता विच भगवान तन जवाला मुखी दमंदर जाइए जिस तो वारी बिन माँ बाप द पाले बच्चा माँ दे एक पुजारी कोई कदम कदम ते देवी माता उसनू रही बचाउंदी देवी माँ दी तेजी गासी उसनू दूध पिलाउंदी बाल भगत दी संगत दे विच रोगी होए अरोगी गया बचपना आई जवानी बालक बन गया जोगी लख मुश्किला सिर ते आया भगत होरी ना डोले जो माता ने बोल बुलाए ओही भगत जी बोले ओए भगत दी भगती ते शक्ति नू अकबर ने अजमाया माता दे दरबार च अकबर नंगी पैरी आया सीस कट के मानू दित्ती सीस कट के मानू दित्ती भगत ने पेट निराली कटिया सीस पुकारे माता कटिया सीस पुकारे दर्शन दे माँ जोतां वाली ज्ञानु भगत दा कहना सी के दुख सुख विच ना डोलो माँ दी ममता अमर रहेगी जय माता दी बोलो भगतो जय माता दी बोलो राम पली करे उम्र लंग गई है दाई पुना कर दिया कर दिया खुशखबरी सुन ली बाहर इंतजार कर रहा है ਲੈ ਤਾਂਦੀ ਪੈਣ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਨਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਮੈਂ ਪੀੜ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦੁਖਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਨਿਭੜ ਸਕੇ तू इस नमाने दी फरियाद कबूल करके बड़ा रहम कीता प्रावा तांदी सब तो बिछड़ गई है नहीं कौन हो सकता त्रिलोचन कौन कोई भी तो नहीं त्रिलोचन तेरे कान पे बस देना सो जा त्रिलोचन ठहर जा देवी मां दा पुजारी ते गल्ला करना है भूता प्रेता दिया इस पवित्र थां ते भूत प्रेत किवें आ सकदे ने ते फिर तू कौन है मेरे सामने क्यों नहीं आउंदी तेरे विच ओ शक्ति नहीं ते ना ही ओ अखां हन
जिन्हां नाल तू मैनू वेख सके। जरा सोच, इस मंदिर विच देवी मां तो बिना होर कौन आ सकता है? देवी मां, देवी मां, तू साक्षात मेरे नाल गल्लां कर रही है? मैं किन्ना पापी हां जिसनूं दर्शन नहीं हो रहे। लाटा वाली मां, इस निर्गुड़े लिए क्या क्या है? इस पिंड विच मेरे एक भगत ने जन्म लिया है। तनदेई दे घर जा ते त्यानू नूं अपने कोल लै आ। त्यानू? हां, त्यानू बालक दा नां है। उसकी मां ने मृत्यु लोक छड़न वेले मेरा ध्यान किया, इसलिए त्यानू दी देखभाल करके अपना जन्म सफल कर। जो आ गया, जय माता दी, जय माता दी। भैन दुलारीए, हुण इस बच्चे नू तू पालना, लै इहनू अपने घर लै जा। ना भाई ना, इस बच्चे नू कौन अपने घर लै जाएगा? जम्मन तो पहला प्यो नू खा गया, ते जमदिया ही मां नू खा गया, ते दूजे नू कदों छड्डेगा? ना ना ना, बच्चा खुदा दा नूर हुंदा है, इहनू मनूस ना आख। ते फिर तू ही लै जा इहनू अपने घर। भगत जनू, पुजारी जी, इस भगत बारे किसे नू चिंता करन दी लोड़ नहीं, इहनू देवी मां ने अपने कोल बुलाया है। मैनू देवी मां ने आदेश दित्ता है, मंदिर विच ले जाके इसकी पालना करा। आओ ध्यानू भगत जी। उई 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 उई, चुप हो जा बेटे, उई उई चुप हो जा पुत्र, उई उई उई, हाँ चुप हो जा पुत्र, हाँ मैं अपने बेटे नूं लोरी देगा, हाँ हाँ चुप हो जा पुत्र, हाँ हाँ हाँ, तेनू की चाहिदा है? ओहो बोल बेटे, ओह आ आ, तेनू की चाहिदा है? ओहो बोल पुत्र, ओ तू तो बोल के दस ही नहीं सकता, हुण की करा? देवी मां, ओ देवी मां, मां मां, ये मुसीबत मेरे गल विच क्यों पा दी थी? मैं इनू किस तरह चुप करावा? मां मेरी मदद कर माता, तेरे कहते इस बच्चे नु इत्थे ले आया सी। भवानी दुर्गा मैया, माता दुर्गा मैया, माता। ए गा कित्थों आ गई है? तेनू दूध चाहिदा सी। वाह देवी मां, जय हो देवी मां, जय हो, जय माता दी, जय। ओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय माता दी, ओ ओ, बचाओ बचाओ, बनमान बच्चे को चित्त ले गया, बचाओ। कौन? बचाओ बचाओ, बनमान है ये, तो पुजारी की आवाज है। ओ ओ पुजारी जी महाराज, अब की हो गया जे? ओ पुजारी जी, अजी आ रहे हैं, अजी आ रहे हैं, चिंता ना करो। बचाओ बचाओ,
आ गए सी। हाँ। पता नहीं कितने गया। हाँ। उतर मन तेरा मंदर अखा दीवे बत्तियां फुल्लां दियां थालियां च बोल फुल पत्तियां रोम रोम जीबा तेरा नाम पुकार दी आरती ओ मैया आरती ओ जोतां वाली मां तेरी आरती मन तेरा मंदर अखां दीवे बत्तियां फुल्लां दियां थालियां च बोल फुल पत्तियां रोम रोम जीबा तेरा नाम पुकार दी हे महालक्ष्मा गौरी तेन पौना कर दिया चौरी ए हुंदिया जो बरसाता ए पावन तेरिया बाता ए पत चढ़ते गुलजारा सब तेरिया मौज बहारा तेरा नाम जदों असी सुनिए मन चानन दे विच पुनिए तेरा नाम जदों असी सुनिए मन चानन दे विच पुनिए तू ते मूर्ति मां सच्चे प्यार दी हाँ, मन तेरा मंदर अखां दीवे बत्तियां फुल्लां दियां थालियां च बोल फुल पत्तियां रोम रोम जीबा तेरा नाम पुकार दी ओ मैया आरती ओ जोता वाली मां तेरी आरती सतवंती हे पतवंती रसवंती साड़ी इको एक बिनंती साड़ा चोला रंग बसंती हे दुख पंजन सुख दाती सन सुख होवे दिन राती जो तेरा नाम ते आवे मुँह मंगिया मुरादा पावे जो तेरा नाम ते आवे मुँह मंगिया मुरादा पावे ओ डूबने वाले अनुपार उतार दी हाँ मन तेरा मंदर पत्तियां बुल्ला दिया काली अच बोल फुल पत्तियां रोम रोम जीबा आरती ओ जोता वाली मां तेरी आरती महाशक्ति सानू दे दे अपनी पत्ति हे जग जननी महामाया हर जीव है तेरा जाया तू चानन है अविनाशी तू अनमिट पूरन माशी साडे कर दे दूर हनेरे सानू बख्शी नवे सवेरे साडे कर दे दूर हनेरे सानू बख्शी नवे सवेरे ओ चोली पर दे तू सारे संसार दी मन तेरा मंदर बोल फुल पत्तियां रोम रोम जीबा तेरा नाम पुकार दी आरती ओ मैया आरती ओ जोता वाली मां तेरी आरती ओ तू ते मूर्ति मां सच प्यार दी ओ लाटा वाली मां तेरी आरती ओ डूबने वाली
बोली पर दे तू सारे संसार दी समय समय धरती ते भगत लोग जन्म लेंदे रहे हैं ते लोकां नू सच्चे मार्ग ते चलन दे उपदेश देंदे रहे हैं ऐसी तरह मैं समझदा हां ध्यानू भगत ने जन्म लिया है ए भी अपने समय विच जन सुधार ते लोक कल्याण करेंगे पुजारी जी क्यों तुसी सानू बेवकूफ बना रहे हो इस छोटे जे बाल वास्ते ऐनियां उच्चियां गल्लां करनियां तुहानू शोभ दियां नहीं मैनू तुसी जो मर्जी कह लो पर ध्यानू नू साधारण बाल न समझो इसनू एक गौ माता आप चल के इस तरह दूध पिलाऊंदी है जिस तरह माँ अपने बच्चे नू पुजारी जी सुनिया सुनाया गल्ला नहीं करी दिया जाते अखी ना वेख ले तुम्हारे कसर आ सकता है ये गल है ता जे तुसी अपनी अखा नाल वेख लेना उस दे दूध पिलाउंदा समय हो गया है चलो 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 हूँ तुसी दसो ये गां किस दी है पुजारी जी ये गां साढ़े पिंड दी नहीं असां इहनूं कदी वी नहीं वेख्या मैं दसा ये गां जोता वाली माँ दे पिंड दी है जोता वाली माता जी जय ध्यानू भगत जी जय माता जोता वाली जी जय पुजारी जी सानू इत्थे बड़ी देर हो गई है असि बड़ी दूरों आए तैनु भगत दे दर्शन करन ते आशीर्वाद लैन क्यों नहीं तुसी आराम नाल बैठो मैं हुणे ही जानू नू साथ के ले आउणा बाहर चबूतरे चल के बैठ जा बाबा बेटा पुत्र चल इंज नहीं करी ना बैठ पुत्र आओ भाई भक्तजनो कर लो दर्शन ले लो आशीर्वाद बोल भाई जय माता दी जय माता दी बोल भगत जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय तानू भगत दी बाबा मैं चलिया नहीं मामा दे खेतां च पुत्र पुत्र भाई ध्यानू तो मनमौजी है मन विच आए तो आशीर्वाद देंदा है नहीं तो चुप करके खेतां वल निकल जांदा है तानू सारे नू दर्शन तो हो गए ना आशीर्वाद देन फिर कदी आ जाना है जय माता दी जय माता जय माता दी ध्यानू पुत्र तू जट नहीं रहा तू भगत है भगत ते खेतां च काम करना जट्टां दा काम है मामा दूजे लोग खेतां च काम नहीं कर सकदे पुत्र पहला तो सारे खेतां च काम करदे सी फिर काम वध गए वढ़ने पै गए ते जिहदे हिस्से जिहड़ा काम आया उहनूं करना पिया मामा मेरे हिस्से च सारे काम आए ने मैं खेतां च भी काम करूंगा तू बड़ा जिद्दी है तू नहीं मन्नेगा बाबा देख ले पैरी दे चारे खुंजे पुट के तेरा वधिया बना दते ने बुढ़िया ते जवाना दा की मुकाबला जदो मैं तेरे जिदा हुंदा सी ना कुमा थां ते कल्लियां ही गोड़ लैंदा सी अजकल दे जवान साडे जमाने दे जवाना दा मुकाबला नहीं कर सकदे हर बुढ़ा आदमी इंज ही कहिंदा है मामा मेरा ख्याल है कि बुढ़े बारे मैनू भी इस तरह ही कहना पऊगा कहना पऊगा नहीं पुत्रा सच्चाई होगी सच्चाई सुनिया है आने वाले जमाने विच लोकी टांगियां नाल बताऊं तोड़िया करनगे इहदा मतलब ए होया मामा कि बताऊं दे बूटे
बोड़ा दरख्तों जिहड़े वड्डे होया करनगे। हुण तेरे नाल बहस कौन करे, चंगा भाई तू जित्तिया ते मैं हारिया। चंगा मैं चलना। तुसी दसो पुजारी जी की कीता जाए, लड़का गुंगा हो गया है ते उहनूं पारो दे व्याली काले पए होए ने, वैदा ने सारी वाल ला ली पर उहदी जबान ठीक नहीं हुई। ये तां कुड़ी दी जिंदगी दा सवाल है, दूसरे बन्ने बिरादरी विच ना करनी भी औखी है। जे तुहानूं उहनूं आशीर्वाद दे देवे तो शायद सतीश की आवाज वापिस आ जाए। लो भगत जी आ गए। तैनू पुत्र, पुत्र मेरा एक छोटा जा काम कर दे। छोटा जा क्यों चाची, तुसी मैनू कमजोर समझदे हो कि वड्डा काम नहीं कर सकदा? नहीं पुत्र नहीं, ये गल नहीं, मैं चाहनी हाँ तू सतीश नू आशीर्वाद देवे ता जो उसकी आवाज वापिस आ जाए। चाची सतीश नू कहना वो भी लोगों नाल आशीर्वाद लैन आ जाए। पुत वो तो पहले भी कई बार आ चुका है पर उन्हें आशीर्वाद नहीं मिलया। चाची ये तो मेरे वास की गल नहीं कि किसी को जान बुझ के आशीर्वाद दे सका, मेरे हाथ तो अचानक उठते हैं, वो तो माता ही जाने कि किसी किस वे आशीर्वाद देना है। तुसी माता अगे प्रार्थना करो, लाटा वाली तुहाडी मंशा पूरी करेगी। चंगा मैं सतीश नू आशीर्वाद लैन वाले लोगों च जाके हुणे खड़ा करनी हाँ। आ, 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 आ। पुत उन्होंने क्या है जो देवी नू पाएगा सोई होएगा, तू चंगी तरह आशीर्वाद ले पुत, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चल मेरा पुत चल। त्यानो पुत्र तीर्थ यात्रा दे जाने की सारी तैयारी हो गई है, मैं कल चले पावांगा। पर बाबा बुढ़ोवे कदों? ए ना पूछ, मैं सारे तीर्था की यात्रा करनी है, पता नहीं कितने साल लग जावन। पर बाबा कितने ये ना होवे कि तुहानू लभण लई मैनू तीर्थ यात्रा करनी पवे। पुत्र जो मानू पावे सोई होवे। आओ भगत जनू कर लो दर्शन। बोल भगता, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय त्यानू भगत दी। बोल भगता, जय माता दी। वेख की रहा है, बोल जय माता दी। चल जय माता दी, 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 बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ढोल किदे बजदे ढोल बलिए, नी गुंगा तत्ता बोल पिया, नी गुंगा तत्ता बोल पिया। इंजीना सता
तेनू शर्म नहीं आंदी लुच्चा बदमाशा लुक लुक के कुड़िया नु तकना? अच्छा जी हुन असी लफंगे लुच्चे ते गूंगे तोते हो गए हैं। उई मां तुसी यकीन करी पारो मैं कुड़िया नु नहीं बल्कि अपनी होन वाली वोटी नु तक रहा सी। हाय मैं मर गई तुसी केहो जे गल्ला कर रहे हो? हाय गल्ला ते ता करा जे तुसी करन दियो थले तोड़ा की गुआच गया जो उथे वेखे जा रहे हो जरा इधर भी तो देखो परे हटो जी मेरी सहेलियां वेखन गया ते की कहन गया? ओ सहेलियां ने की कहना बेशरम पता नहीं दुखा ने मेरा खेड़ा कदों छड़ना मुंडा गुंगा हो गया ते बेचारे दी मां वोटी लेन तो पहले ही चल बसी। बापू सतीश बापू बापू सतीश पुत्र तू बोल सकना है? हाँ तू बोल सकना है? हाँ बापू हाँ बापू तानू भगत के आशीर्वाद नाल मेरी आवाज वापस आ गई है। क्यों ना चाचा दी मंजी चुके तानू भगत को लाए चलिए माता ने चाहा ता आशीर्वाद मिल जाएगा। पर उठे ते पैरी तुर के जानवर नु आशीर्वाद मिलदा है ते दर्शन हुंदे ने। मैं जाके भगत जी ने इथे ले आना है मैनू यकीन है वो मेरी मदद जरूर करेंगे। पर सतीश ए ते अनहोनी गल है भगत जी आशीर्वाद देन किसी दे घर नहीं जांदे। मेरे ते मेरे होन वाले स्वरन दी भगत जी नाल घर वाली गल है वो मेरी गल जरूर मनणगे। मेरे आन तक तुसी बापू दा ख्याल रखना। चंगा खोलो। हाँ थोड़ी होर खोलो। मैं कहनी हूँ खोलो ना। हाँ बस पारो दर्द बर्दाश्त नहीं होंदी। बर्दाश्त क्यों नहीं होंदी मैं जो काम करनी है पूरा करनी है अधूरा नहीं छाड़ दी। ए होई ना गल देखो ए जहरीला कीड़ा जे ना काट दी ते आंख अन्नी हो जानी सी। धन्यवाद। हाँ हाँ बैठो बैठो आराम नाल बैठो। पारो तानू नाल आराम आ गया। पारो तू ना आउंदी तां पता नहीं मेरा की हाल हुंदा उम्र भर तेरा नहीं रहांगा। ਪਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਭਗਤ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਨੀ ਆ ਮਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ। माफ कर दे बापू आखिरी वेले तेरे को ले रह के उस पाखंडी भक्त को चला गया बापू उस नीच कमीने को तेरी उम्र ली भीख मांग ले बापू। पर बापू वो नीच है घोर पाखंडी है लोगों के सामने भक्ति रचाने वाला पाखंड है बापू। तैनू आया नहीं इसलिए सतीश नू गुस्सा है। सबर कर पुत्र असी सारे मृत लोग दे निवासी हैं इत्थे ना कोई सदा रहा है ते ना रहेगा हौसला रख। पर वै जी मैंने दुख इस गल दा कि आखरी वेले अपने बापू दे कोल ना रह के उस पाखंडी भक्त कोल चला गया। हुण पछतावा छड़ पुत्र ते क्रियाक्रम दा बंदोबस्त करिए। माफ करना मां मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता और इस घर की बहू नहीं बन सकती। सतीश लोगों के सामने तेरी इज्जत मिट्टी विच रुल रही है। पारो वर्गी बदकार कुड़ी ते त्यानू वर्गी पाखंडी भगत नू सजा मिलनी ही चाहिए। पहला पारो नाल विआह करा ते तसीहे दे के मार
ते फिर तैनू ते पाखंड नू लोकां दे सामने पेश कर। तेरे लिए इस तो वड्डा पुन्न दा काम होर कोई नहीं। बाबा जी असी तुहाडे कहते पिंड च रक्तकार कढ़ी बकरे दी बली भी दित्ती पर मी पैंदा सर हाले भी नजर नहीं आंदा। साडे डंगर भुखे मर रहे ने, बीमारी दिन ब दिन जोर फड़ रही है। प्यारे भक्तो कहे ना पवो, मेरी भविष्यवाणी कदे झूठी नहीं हो सकती। तुहाडे वास्ते मैं औखे तो औखा काम किया, दसवें द्वार पहुंच के इंद्र देवता नाल मैं आप गल्लां कीतियां ने, फिर ये बिघन किस तरह पै गया। अच्छा मैं वेखना। सनिचर भली ओ मेरे सारे मंत्र त्यानू खत्म करी जांदा जे, ओ नहीं चाहुंदा कि कोई दूसरा उसके मुकाबले में कामयाब होवे। पर त्यानू तो कहंदा है जो माता नू पावेगा उही होवेगा। जे भला हो कवे ते माता का कहना मोड़ दिए, ओए चलियो तो कहंदा ही नहीं। मेरी गल मनो, त्यानू नू त्रू के खेता च लै चलो ते उत्थे नू भुखा रखो, जब तक मीह ना पवे तो उन्हें छड्डो ना। और आखिर तुहाडे सब लोगों की जिंदगी का सवाल है। है तो ठीक, माता ओदी गल जरूर मनदी है। ओ चलो फिर त्यानू नू खेता च लै चलिए। चलो त्यानू दा बच्चा साडे मुरीदां नू साडे कोल खोणा चाहुंदा है। ओ ठहरो भी ठहरो, भगत नू मिलन दा आशीर्वाद लैण दा कोई समा हुंदा है। चलो परे हट, लगदा समय दा। तैनू जी चलो थोड़े नाल खेतों में, तो चल के मीह वराओ। ओ मेरे खेतों में जाना मीह किस तरह वरेगा? तुसी माता नू कहो मीह पवाए। माता मेरे हुकुम दी बद्दी है जो मेरे कहण ते मीह पवाएगी। ऐ क्यों नहीं कहंदा कि तू माता नू कहना नहीं चाहुंदा? चलो लै चलो इनू खेतों च। हाँ हाँ बाबा ठीक कहंदा है, इनू खेतों च लै चलो, आपे मीह पवाओ। बाबा कौन? शेषर बाबा। जब तक मीह नहीं वराउंदा तद तक इत्थे पैलियां च भुखा ते प्यासा रहो। दुख सुख दाए तन दे कपड़े इक लावे इक पावे, इक लावे इक पावे। बंदे नू समझ न आवे, बंदे नू समझ न आवे, बंदे नू समझ न आवे, बंदे नू समझ न आवे। ओ चावे ता प्यासा मारे, चावे ते प्यास बुझावे, बंदे नू समझ न आवे, बंदे नू समझ न आवे। हुक्म बिना ता सजना एक भी सा नहीं आना, उस दे हुक्म बिना ता सजना एक भी सा नहीं आना। जद तक चाबी परी उसने चलता रवे खिडौना, पैसा नचदी मास दी पुतली हो, तैसा नचदी मास दी पुतली। जैसा नाच नचावे बंदे नू समझ न आवे, बंदे नू समझ न आवे।
जल बिन मछली जी ना सकती, मां बिन जिए न बच्चा। जल बिन मछली जी ना सकती, मां बिन जिए न बच्चा। उसदा इंदर पानी परदा, जिसदा सिद्क है सच्चा। ओ चावे ता गागर दे विच, ओ चावे ता गागर दे विच, सागर पर आ जावे बंदे नू समझ ना आवे, बंदे नू समझ ना आवे। जानू समझ न आई ऐवें कर दे अड़ियां, बेसमझानू समझ न आई ऐवें कर दे अड़ियां। जेठ हाड़ विच ला सकदा ए सावन मां दियां चड़ियां। कुट जपियां पावे बंदे नू समझ ना आवे, बंदे नू समझ ना आवे। ओ चावे ता प्यासा मारे, चावे ते प्यास बुझावे, बंदे नू समझ ना आवे, 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 बंदे नू समझ ना आवे। बंद करो, बंद करो, ओ प्रकृति बंद करो, मैं तो पानी की डुब चलिया। जय माता दी। गोपाल बहादुर नू मोढ़े चुक लै। चंगा जी। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। बैठो बैठो पंडित जी, किस तरह आना होया? मैं सतीश दा सुनेहा लेके आया। तन पागे की सुनेहा कर लिया मेरे पुत्र ने? व्याह इसे महीने दा मंगया है। इसे महीने दा? ये किस तरह हो सकता है? उन्हें पता नहीं, उतो काल पिया है। लोकां नू तां जान बचाउण दी पई है, ते सतीश नू व्याह कराउण दी काल है। भगत जी नू व्याह शादियां दे मामलियां च दखल नहीं देना चाहिए। ये तां तुसीं जजमान लोग जाणो, जो हुक्म दोगे जाके सुना देंगा। सतीश तेरा दोस्त है, उन्हें चंगी तरह समझा दे कि साढ़े कोलों एडी छेती व्याह नहीं दे होना। आखिर असी कुड़ी वाले हाँ, सानू कुछ ना कुछ प्रबंध तो करना ही पवेगा, आंदी फसल तो कर देंगे। जो हुक्म, पर ये गल मेरे जजमान नू चंगी नहीं लगनी। असी मजबूर हाँ, वरना अपने पुत्र का हुक्म कदे ना मोड़ दे। चंगा, मैं सतीश नू सारी गल समझा देंगा। पंडता, जदों तेरी जजमानी ने ना की उथे होर भी कोई सीगा? त्यानू भी सी। त्यानू? ओ उथे की कर रहे सी? पता नहीं, मैं बैठा उन्हां नू डीक रहा ही, तिन्ने बारों आए हसते खेड़ दे, मैनू वेख के चुप छा गई। ओ तिन्नू कौन? जजमाननी त्यानू ते पारो। ऐ गल है, उन रंग रलियां खुले आम मनाई जा रही है। ओए त्यानू ने तेरे नाल होर कोई गल कीती? कहन लगा लोकां नू तां जान बचाउण दी पई है, ते सतीश नू व्याह करवाउण दी। चल मेरे नाल। त्यानू, है? आप पाखंड छड़ देता अपने असली रूप में जा। सकती
ईश ओए लोको तोड़ी क्यों मत मारी गई है इस पाखंडी को आशीर्वाद लेने एनु ता बलदान के पीछे बन के घसीटना चाहिए ओए पग ने की बिगाड़ा तेरा जेड़ा उन्होंने बोल बोल बोली जाना ओए ए नीच मेरा की बिगाड़ सकता है एहो जिया पाखड़ी पक्ता को मैं नहीं डरता ओए की बकवास करी जा रहे है ओए बकवास मैं नहीं ए तोड़ा झूठा भगत कर रहा जे आज मैं दे पाखंड दा पांडा पनना है ओए ए दा पुए चढ़ा जांदा हलो नु आओ नहीं इस नु जान दियो मूर्ख राज जूझना नहीं चाहिए कान खोल के सुन ले वड्डे पक्ता जे तुम मेरे और पारो दे दरमियान आन दी कोशिश की थी तो मैं तेनु कोड़े दे पीछे बन के थ्रू के मार देंगा हंकारिया माता तेनु इस तरह मारेगी जिस तरह भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हरनाक्ष नु मारया सी ओए टट पूंजिए जिथों आया है उथे ही चला जा तानू ने अपने शिकारा तो तेनु कुछ नहीं खोना ओए दुष्टा पक्ता कड़े शिकारा दी गल्ला करता है चुकरा चमचा नहीं तो सिर में डांग खाएगा सनु आस है कि तेरा भगत सारी गल समझ गया होगा ते अगो तो कोई गलत कदम नहीं चुकेगा चलो साथियों की हाल है ली चाचा चंगा है भाई जवाना आज फौज किधर मुहारा मोड़ी फिर दी है तानू ने मिलके आ रहे हैं उधर ना थोड़ा जा कम सी तानू भगत दा ना सारे संसार में चमक रहा है साढ़े पिंड के धन भाग ने जिथे एह जे भगत ने जन्म लिया आहो एह जे बंदे घर घर नहीं जमदे ते जदों जमदे ने चंद चाड़ देंदे ने सुनिया तोड़े भगत नु कुवारियां कुड़ियां कोल मुट्ठी चापी करवाउण दा बड़ा ही शौक है पर ओ नाल नूरा ते जांदी होनी है मैं तेरी गल दा मतलब नहीं समझा उदो समझोगे जदों भगत कोई चंद चाड़ेगा चलो चंद चाड़ेगा जिसने भी पिंड भी सुने है, उंगला मुंह विच पालिया ने तड़े जे भगत दा अपमान करके सतीश ने अपनी कुल नु कलंकित कर देता है इंज ना कहो चाची एक अनजान ते ना समझिया गलतियां सारी कुल नु कलंकित नहीं कर सकदी है खैर मैं सतीश वास्ते तो तू माफी मंगनी है ते आस करनी है कि तुसी ओनु जरूर माफ करोगे सतीश ना मैनु कोई नाराजगी नहीं चाची पर हां उस दियां गल्लां तो महसूस होया है ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੀ ਹਾਂ ਕੱਲ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਨੀ ਆ ਉਹ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਆਉਣੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ ਪਰ ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਆਉਣੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ जिस तरह तुम्हें चंगा लगता है मैं उसे करूंगी तुम चिंता ना करो तो जाके जगराते की तैयारी करो जय माता दी जय माता दी जा मेरी गल मन ते तू नदौन जा ही ना ओथे जगराता तुहानू ने करना ते ओनू वेख के तेरा खून फिर खौलन लग पैना तू वेखदा जा पंटा मैं तुहानू दे मुंह तो ओदी झूठी भगती दा पर्दा ला के ओदी सच्चाई लोकां दे सामने किस तरह पेश करदा ओ चल फिर असां तां यार दी यारी लई जाणा उसके गुण उगुण नहीं वेखने और रहा ना खीर खाने पंडता तेन मेरे विच अवगुणा तो सिवा होर कुछ नहीं दिसदा और यार मैं तो सबैकी गल की है जे जाना ही है तो छेती कर वेले सिर पहुंच के जगराता ही सुनिए ओए तेरी तो ओ ही गल हुई ना आपे ही मैं रजी पुजी ते आपे ही मेरे मां प्यो जी हैं खुद ही गल करी जाना तो खुद ही कहना छेती करो तू तो हुणे लोहा लाखा हो जाना यार जगराते दे तो पहुंच ला कोई नहीं पहुंचांगे बह जा चल बोल साचे दरबार की जय मां जग तेरे मंदिरां च आयो भोली मां जग तेरे मंदिरां च आयो भोली मां पूर्णिमा
जग तेरे मंदिर च आयो पूर्णिमा जग तेरे मंदिर च आयो पूर्णिमा भी तेरा तन भी तेरा रोम रोम तेरा वासा जग तेरे मंदिर च आयो पूर्णिमा जग तेरे मंदिर च आयो फड़के रस्ते पा दे बालक हाँ माते पुल चुप साड़ी माफ करी तो पुल चुप साड़ी अजोता वाली लाता वाली पुल चुप साड़ी माफ करी जग तेरे मंदिर च आयो पूर्णिमा जग तेरे मंदिर च आयो पूर्णिमा शासुर ते शुंभ निशुंभ जय राकश चुन चुन मारे तुम वर लोचन चुंड मुंड दुर्जन नर का विच ने उतारे पैरों दा सिर कट महाकाली पैरों जग तेरे मंदिर च आयो पूर्णिमा जग तेरे मंदिर च आयो पूर्णिमा बिगड़ी बनाए आग जगाए बिगड़ी बनाए आग जगाए जग तेरे मंदिर च आयो पूर्णिमा जग तेरे मंदिर च आयो पूर्णिमा।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, भक्तों बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, खुल के बोलो जय माता दी, मैंने यह सुनिया जय माता दी, 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 बंद करो। सतीश पुत्र, असि तेरा राह वेख रहे सी। मेरा ही राह वेख रहे सी। मैंने इतने खलोते एक पैर बीत गया, किसी ने मैंने बैठने भी नहीं कहा। पुत्र, साडा ध्यान पेटा वल सी, असि तेरे वेखे ही नहीं। तुसा मेरा निरादर किया, ध्यान उन्होंने पारे के घोड़े नाल जोड़ के बिठाते हो, ते अपने होने वाले जवाई ने बैठने भी नहीं कहते। सतीश, इस पुत्र थां ते तैनू इहो जिहा गल्लां करनियां सोभदियां नहीं, ते तैनू दूजियां दियां तीवियां नाल जुड़ के बहना सोभदा है। मैनू जगराता करन लई चाची ने बुलाया सी, ते पारो ने भेटां बोलन वास्ते जिद कीती, ते तू दी गल मन ली ते उन्हों अपने कोल बिठा लिता। वाह पत्ता, तेरे वर्गे मौके मिलन ते दुनिया दा हर आदमी भगत बनन लई तैयार हो जाए। तेरे होश ना ठिकाने ने, तू मेरी बेइज्जती करन दे लालच विच अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती उदी हुंदी जिहदी कोई इज्जत होए, तू मैनू मिट्टी विच रोल दिता, रन्ना दन्ना बन के बहन वालिया, तू इज्जत नू की जाने, आखिर देवी दा भगत है ना, तैनू औरत नाल खास लगाव है। सतीश, देवी मां दे बारे एक भी भैड़ा लफ्ज बोलिया तां मेरे नाल बुरा कोई नहीं होएगा। अल्लाह लखा किसी और ने विखाई, तेरी भक्ति पाखंड है ते तेरी नीयत खोटी है। तेरे वर्गे राक्षस दे मुंह तो भक्ति दियां गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। आ ले मरा कुकड़ ते खा जिदे तू काबिल है। जय जगदम्बे, जय ज्वाला मां, जय माता दी, जय माता दी। रोना तीए, मैं रस्म रिवाज तोड़ दवांगी, रिश्ते ही तोड़ देंगी। ये की कह रहे हो चाची, सगे संबंधी की कहेंगे, समाज की कहेगा? समाज कुछ भी कवे भगत जी, मेरी पारो दा पति सतीश वर्गा नहीं होना चाहिदा। इंज ना कहो मां, वो भी तो किसी दी धी भैन सी जो पिंगले नाल वरी गई सी। मेरी तीए, तू 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 चंद मुंड पर चुंड, चंद मुंड पर चुंड, चंद मुंड पर चुंड, पूर पाप दा ठंड ते धर्म राय दा खाता बंद। क्रिश्चियन बनी। बाबा जी, तुसी जरूर कोई रेख विच मेक मारो ताकि मेरे मुंह दे गोद हरी हो जाए। सुख नाल व्याह नु 2 साल हो गए ने। माई, तेरी नूह दे घर बाल ताई खेल सकदा जे किसे बच्चे दा बलिदान दिता जाए। नहीं, असा ये पाप नहीं करना। मैं तानु भगत कोलो पुत्र दी दात मंग लांगी। तानु उस पाखंडी नु मैं खंड खंड कर देंगा। कुड़िए तू नहीं जानदी तानु नु पिंड वाले किड़ियां नजरां देखने पै, वो बच्चे दा दात नहीं दे सकता। हाँ, बच्चा पैदा जरूर कर सकता है। बाबा जी, नाराज ना हो कुड़िए, मैनू तो तेरी सस उत्ते तरसा आंदा पिया। विचारी दा खानदान खत्म होंदे सार नजर आंदे ने। बाबा जी, ए कुड़ी ते नादान, तुसी जो भी उपाय दसोगे मैं जरूर करांगी। छंछर बली, कन्या दी बली तेरी परिवार दी लड़ी दी कड़ी नू जोड़ सकदी है। ये देखिए खत्म। बाबा जी, मैं जरूर करांगी, मैं जरूर करांगी, मैं जरूर करांगी। कुड़ी आ जा। नहीं, नहीं हो सकता। मां तेरी मत नहीं मारी गई है, दूसरे की औलाद का बलिदान देखे
अपने वास्ते औलाद मंगनी इस तो बड़ा पाप होर की हो सकता है? पाप नहीं पुत्र, प्रायश्चित है। जरूर साडे वड्डे वडेरियां ने कोई पाप कीता होना, तां ही तो साडा खानदान खत्म हो रहा है। मां जी, तुहानूं किस तरह पता है कि खानदान खत्म हो रहा है? हाली साड़ी बानी चिरी कि ना होया? उस आरामी साधु ने कान च फूक जे मार दी है। मैं कहना लोगों ने उस पाखंडी पिंड च रहन क्यों दिता है? लोग ते उसनूं पूजदे ने, ओह तां इस युग दा अवतार है। धर्मराज दे वही खाते तो इत्थे बैठा बैठा वेख लैंदा है। मां जी, तुसीं तां एवें सुनिया सुनाईया गल्लां करदे ने, पिंड वाले तो उसनूं बुलांदे भी नहीं। मैं कहना तुसीं उसदे कोल गईआं क्यों? धीरज रख पुत्तर, ते ठंडे दिमाग नाल सोच के फिर गल करी। इस वेले तेरे सिर गुस्सा सवार है। आ सुना भी जवाना, तुहानूं भगत दा मंदिर कहड़े पासे है? इस गली विच सीधे तुरे जाओ ते अगले चौंक तो खब्बे पासे मुड़ जाना, मंदिर पहुंच जाओगे। धन्यवाद, चल। मैं क्या बेटा, तुहानूं भगत दा मंदिर कहड़े पासे है? बाबा, इस गली विच जाके खब्बे मुड़ना, सामने मंदिर दिसेगा। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। जय माता दी, जय मैया दी, जय माता दी, जय मैया दी, दुखरनी सुखरनी माता। जय माता दी, जय मैया दी, जय मैया दी, जय माता दी, दुखरनी सुखरनी माता। जय माता दी, जय मैया दी, जय माता दी, जय मैया दी, दुखरनी सुखरनी माता। जय माता दी, जय मैया दी। भगत दी जय, भगत जी दी जय हो, भगत जी दी जय हो, भगत जी दी जय हो, भगत जी जय हो, जय हो। भगत जी, साडा दुखर हो, वरदान दे के साड़ी गोद देर ना लाओ, छेती करो। बाबा जी, मैनू जो तुसी समझ रहे हो मैं वो नहीं हाँ, वरदान देना मेरे वास दी गल नहीं है। सानू इस तरह ना टालो महाराज, असी बढ़िया आसा लेके आए हैं। तुहाडे बिना साडा कोई सहारा नहीं। ओ तो मैं समझ गया कि तुहानू बुढ़ापे भी सहारे दी लोड़ है। तुसी जानी जानो महाराज, तुहाडे कोलों की छुपया होया? हाँ बाबा, जो अखां दे सामने है वो परतख है, जो अखां तो ओले है वो सब छुपया है। बाबा मुझारता ना पाओ महाराज, सानू पुत्र दा दान दियो, असी इस संसार तो आंतरे नहीं सौंतरे जाना चाहने। इसका मतलब है तुहाडे घर हाली तक औलाद नहीं हुई। हाँ महाराज, मैनू पुत्र दी दात बख्शो। माई, पुत्र दी दात देना मेरे वास्ते गल नहीं। हाँ, मैं तुहाडे धर्म पुत्र बनने तैयार हाँ, मैनू गोद लै लो ते सारी उम्र दा पौड़ा गल पा लो। भगत जी, ये मैं तो वरदान लेना चाहते सन। बुजुर्गो, ये ने मेरे गुरु ध्यानू भगत। ध्यानू भगत जी? जी ये ध्यानू भगत ने, तो तू कौन है? मैं इनका चेला माधो। परे मर भगत जी, तुसी बड़े नटखट हो, पहला कोई तेन आदे को नहीं दसिया कि तुसी ध्यानू भगत हो। बाबा जी, तुसा मंदिर का पता पुछया सी, ध्यानू मैं पूछ लेता, मैं दस दिंदा। ठीक है बाबा जी, तुसी वरदान लैन आए जे, पर वरदान तो माता ही दे सकती है। पर भगत जी, माता भी तो भगता नहीं सुनती है, साड़ी क्रिश्चियन की कौन सुनता? लाटा वाली माता का सब की गल सुनती है बाबा जी, पर सुनाने वाले का मन साफ होना चाहिए। सन गल्लां विच ना टालो भगत जी, वरदान देन दी कृपा करो। बाबा जी, माता राणी कोलों की वरदान चाहुंदे हो? जे परलोक विच बजुर्गां ने पुछिया कि धरती उत्ते पितर पूजा लई किनूं छड के आए हो, ते दसो असीं की जवाब देंगे? 70 साल दी उम्र हो गई, अज तक औलाद दा मूंह नहीं देखिया, पुत्र दा वरदान दे भगत जी, पुत्र दा। पर बाबा जी, ये हुण होनी गल तां भगत जी कोलों भी नहीं होनी। वे पुत, मूंह भैड़ा होवे पर बंदा गल ते चंगी करे, तू क्यों अपशकुन करन दे है? जो महाराज जी कहेंगे असी ओहो ही मन्नांगे। माई, लाटा वाली माता आगे तुहाडे लई प्रार्थना करांगा, तुसी भी अरजोई करो, माता बड़ी दयालु है, तुहाडी पुकार जरूर सुनेगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय जोतां वाली थी, जय लाटां वाली थी, जय अंबे, जय भक्तां दी, जय माता 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 दी, जय माता। की गल है बाबा पानिया, अज ते बड़ा भगत बनया फिर मैं, कल ते रब नाल रुसिया फिरदा सी। ओ जमालिया, रब है, सौ रब दी रब है, पर सानू अन्या नू दसदा नहीं। एवें गल्लां करी जाएगा कि कुछ दसेगा भी? ओ जमालिया, चमत्कार होया है, तुहानू भगत दे वरदान नाल ते शेरां वाले दी कृपा नाल अज पाना उतना सौचा हो गया है। मैं अज मेरे घर पुत्र जमिया पिता। जय माता दी, जय माता दी, अल्लाह दिया अल्लाह जाने भाई।
आ बेटिया आ जा। बेटी तू डरना, मैं तेनू चंगिया चंगिया चीजा खवावांगी। मेरी रानी बेटी की खाएगी? मैं बर्फी खाऊंगी। बर्फी? बेटी बर्फी ते है नहीं, मैं तेनू गुड़ खवावांगी। आ जा। मैं गुड़ नहीं खाऊंगी, शक्कर खाऊंगी। शक्कर खाएगी? अच्छा अच्छा, मैं रानी बेटी नू शक्कर खवावांगी। क्यों शक्कर खवावांगी? मैं अपनी रानी बेटी दी हर ख्वाहिश पूरी करांगी। आ जा तू इत्थे बैठी। इत्थे मैं हुणे आई। हां हां ले पुत्र तू खा। हाँ खा। हाँ
मैंने शक्ति दे ताकि मैं बलि चढ़ा सका। बार कौन आया? मैनू मारेगा ते नहीं? तनु तो नहीं मारेगा पर इधरा 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 तू इंज कर इस टोकरे थले लुक जा हैं ते जिस वेले ना वो लोग अंदर टूर जाएंगे तू हौली जाई बाहर दौड़ जाए। अच्छा माँ 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 तू बुआ क्यों नहीं खोल दी? आई पुत्र आई। माँ जी ऐने काबरी क्यों जे? नहीं मैं ते चंगी पलिया तेनु ते एवें इंज लगदा है। सुन दमो मैं एक टोकरा पटिया दे मजनू पावा बेचारी सवेर दी भुकी होएगी। चंगा पा। नहीं 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 मैं पट्ठे माजे के पाई हां पाई पाई पर माँ पट्ठे ते कुआने च उसी तरह पाए ने। हाँ ओ ते मैं खेता विचो सजरी लैन दे सी। हाँ पर टोकरा तो कुआने च रख दिया इत्थे क्यों मुदा मार रहा है? नहीं बेटा नहीं तू थक गया है जाके अंदर आराम कर मैं आप ही रख लवांगी। जा जा ना बेटा चोरी नहीं की मेनू मानना ना मैं चोरी नहीं की चाची ने मेनू क्यों शक्कर खिलाया? इस कुड़ी ने टोकरी थले क्यों छुपाई सी? ए किसकी कुड़ी है माँ? ए ता उधरली पत्ती वाली मुकंद की कुड़ी है। तू बोल क्यों नहीं? तू माँ नहीं डायन है डायन। अपना घर बसाओ नहीं दूजे का घर उजाड़ में कितों की ममता है। ऐसा कितनी बार कहा कि हम जब बाप करके सानू औलाद नहीं चाहिए पर तू तू की कर रहे हो तुसी छोड़ दो। काश कि तू मेरी मां ना होंदी। गलती ते इंसान को लो होई जांदी है। मां जी अगो तो है जा कम नहीं करनगे। हुन तुसी जाओ इस कुड़ी ने ओदे घर छड़िया जाओ ना। डोली का वेला हो गया पर अजे तक क्यानू नहीं आया। मैं उन्हें देख के आना। नी दास नूरा सौरे जाके सानू फूल ते नहीं जाएंगी। नी नूराएं पुरानी रीत किस तरह भूल सकती है? आज तक तो यही हुंदा आया है। कुमारियां दे सहेलपुना ब्याह हुंदे ही टूट जांदा है। नहीं नहीं पारो साडा सहेलपुना कदी भी नहीं टूटेगा। भगत जी ता मंदिर च आई कह के निकले सन के ओ तोड़े वाली जा रहे हन नहीं आ रहे हन। आ गया तेनू बेटा? हां मामा किथे है साडी लाडो पैण नूरा? आ जाओ तेरी राह देख लई। आ जा नूरा तीए तेरा धर्म भरा आ गया। लै भैणा अपने सन्यासी भरा का तोहफा यह माता का प्रसाद है सदा को रखी सुख शांति रहेगी। आहा किन्नी सोनी चुन्नी है उत्ते ले ले। डोली का वेला हो गया चलो उठो छेती करो। साडे पिंड दी लाडली ती राणी पेका छड़ के आज ससुराल चली बाजे गाजिया टोल टमकियां च रोंदी होई भी शगुना नाल चली साडे पिंड दी लाडली थी राणी कुड़म राजिया रखना लाज साडी पर्दा असा टकना जी
साढ़े इस कलेजे दे टुकड़े नू लाके नाल कलेजे दे रखना जी तेरी जीए जोड़ी चार जुग तोड़ी तेरे जाग दे रेंगे पागतिये जांदी वार दी साड़ी असीस ले जा तेरा सुहाग जीवे तू जीवे ते तेरा सुहाग जीए तू जीवे ते तेरा सुहाग जीए सरदार ये मेरा सब तो प्यारा दोस्त है जे तुसी त्यानू कोलों मेरी बेइज्जती दा बदला लै दोगे मैं सारी उम्र तुहाडा पानी भरांगा और तू फिकर ना कर मुंडिया इस इलाके विच साडा राज है ते असी किसे नाल बेइंसाफी नहीं होण देंगे तेरी मंगेतर तेरे घर आएगी अवश्य आए ते जे उस सन्यासी ने साडे काम विच टांगड़ आई तां असी उहनूं हरिद्वार भेज देंगे चंगा सरदार हुण असी चलदे आ क्योंकि जिहड़ी जाई तुसां लुटनी है उस विच कई आदमी सानूं पछाण लैणगे और तुसी मुंह ते कपड़े बन लो तुहानू कोई नहीं पछाणेगा ते नाले मेरे जवाना वाला अख चुके वेखण दी हिम्मत की दी है होशियार होशियार रुक जाओ और रुको यार ये तो पोले दी आवाज है और रुको किथे भजी जांदे हो ओ यार डोली तां आणन दियो है और डोली दे नाल गबरू जवान लाड़ा ते उहनां दे साथी जो हैन ते नाले इत्थे कहिंदा डाका पै चलिया चलो चल के जश्न मनाने आ चलो तेरी बकी तबेला भी चलना है दी सुकी जई कमरोड छेती करो जंग तां पिंड भी पहुंच गई होनी है ओए एना काल आना पै जिथे एने साल लंघे ते चार घड़िया होर सही आ तुसी फिकर ना करो जी असी हुणे ही पहुंचे हां चाल पढ़ लो जरा मुंडा काला पई जांदा है डोला थले रखो खड़क्या जा जानिया को नकदी ले ले धरमिया कुड़ी दे गहने ला ले क्यों भाई जानजे कुछ माल वाल है के नहीं वो तुर फिटे मुई और क्यों भाई लाड़िया तेरे कोल हाँ तेरे कोल तो है और खुश किता ही उतार गहने उतार छेती कर छेती और भी उतार छड़ चुनी गहने बन लिए छड़ नहीं 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 वीरा है चुनी नाल है बेचारी को यार भगत दी निशानी यार जदों असां भगत ही नहीं रहन देना तां इह उस दी निशानी नूं की करेगी या अल्लाह देवी दे भगत ते इहो जे नीच लोकां दीआं तोहमतां बुला ले हुण भगत यार नूं सानू भी ओदे नाल थोड़ा जा कम है देवी मां आ
ठहरो बदमाशो, ध्यान आ गया जी। ओए आ सन्यासी साढ़े नाल लड़न आए दे आओ आओ जी आया नू सरदार ए तो तेनू त्यानू ने ओ चंगा होया तेरा काम भी लग दिया हो जाऊ भगत्या जाओ इन्हां नू खत्म कर दियो अच्छा जी चलो ओए ओ मैं तो सरदार
छेटी डाल चुको है साथियों, मैं तुहानू छड़ के जा रहा। ज्वाला मैया दे भगत नू दुख देने की सजा मां ने मैनू दे दी, पर तुसी अपनी भगत को भुल पुछा लेना। मां मैनू बख्श देना। मां भगत जी सानू माफ कर दो। भगत जी जान बचाओ तो भजो इतो। चुंड मुंड पर चुंड, चुंड मुंड पर चुंड। बस बस पुत्र, बहुता काला ना था, तेरा शिकार आने वाला। बाबा हो गया वेला तैनू ध्यान दा, ओ भी बड़ा जादूगर ही, जरा होशियार रही। जे अज तू तैनू ने खत्म कर दिता ते मैं सारी उम्र तेरी गुलामी करांगा। आ जा तैनू। तुसी फिक्र ना करो मुड़ियो, मेरे इस नाग ने त्यानू दा जादू नहीं चलन देना। एदा डंगना लिया एक पासे, एदी फूक नाली आदमी सड़के सोआ हो जांदा। हो जा फिर अगे। ओए अपन जरा ओले हो जाई, चल चंगा फिर देख तमाशा। सारी चर बली की गल है पक्ता, इस नाग नू क्यों फड़िया होया? तैनू मेरा यह नाग बहुत दिनों तो भुख है, अनु खुराक नहीं मिली। ते फिर जाके इस नु दुध वगैरह पिला। मूर्ख है, नाग नु पेट दी नहीं डंग मारन दी भुख सता रही है, ते अज तैनू डंग मार के अपनी भुख मिटाएगा। जय माता दी। शनिश्चर बलि। सनेचर बलि, मैं बचा लो, बचा लो, मैं मर गया। मैं तो अपने पुट्टे टोए विच आप ही डिग पिया, मेरे नाग ने मैनू डस लिया। सनेचर बलि, हुण कित्थे गया? हुण ते आ जा, मैनू बचा ले। मैं मरना प्या, मैं मरी जाना प्या। सनेचर बलि कित्थे चला गया? जय माता दी। हाली तक मुकन चाचा दी कुड़ी नहीं आई, भगत दे आउन तो पहला कंजका नु खुआ लेंदे ते चंगा सी। मैं हुणी जाके ले आना। तू जो कुछ मर्जी कर ले, पर सुके रुख नु फल नहीं लगना। मैं तुसी ने दमो दे नाके दम कीता होया, जदों दी बेचारी इस घरे च आई है खुशी दा एक दिन भी नहीं वेख्या। ते इन्ने भी केड़े कोई घर नु पाग लाए होए ने, जिदी मैं दुहाई देंदी फिरा। तू आगे मुन्नी, चल 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 चल। नहीं मुन्नी, तू फिर सो गई है, चल जल्दी उठ, दम्मो दे घर नहीं जाना। चल मेरे पुत्र चल। शाबाश, जल्दी कर चल। त्यानो भगत हले तक नहीं आए, तेरा ब्रत होना नहीं खोला सी। पता नहीं इतनी देर क्यों कर दी थी। मुन्नी, ये की कर देता।
ए मोए सुती रही तुहानू बाले उड़ीक तो नहीं करनी पई। ए सुती रही? हाँ सुती रही। तो फिर वो कौन सी? बिना जोता वाली माँ दे होर कौन हो सकता है? जय माता, जय माता दी। भगत जी वो कुड़ी मैनू अंब दा फल दे गई है। दमो ये अंब दा फल माता ने तेनू पुत्र दा वरदान दिता है। जय माता दी। भगत जी तुसी ते मेरे घर नू पाग ला दिते ने। मासी पैर मेरे नहीं जोता वाली माँ दे फड़ो। जय माता दी, जय शेरा वाली दी, जय माता दी, जय शेरा वाली दी, जय जोता वाली दी, जय जोता वाली दी। तू तो चुप्पी वट के बह गया यार, एडी केड़ी अफसोस वाली गल है। पंडा लगता तैनू ने साडे काबू नहीं आना, असी सारिया खेड़ा खेड के देख लई है, हुण साडे कोल इको दा बाकी है। ओए ओ केड़ा? उन्नू सुत्ते होए नू मार देईए, जागदे नू मारना तो साडे बस दी गल नहीं है। ओ जाद उखली सिर दिता तां मोहड़ां दा की डर, मैं तेरे नाल आ। तो फिर हो जाए अज रात नू? हो जाए। पक्का? पक्का। है वही ना दोस्ती। माधो चुक लिया। मां जी मेरे तो उपकार करो,
किसी तरह मैंने मेरे पिंड पहुंचा दो। पर पुत, ये तेरा अपना ही घर है। मैं इस वेले बहस नहीं करना चाहता माँ जी, मेरे भेजन का प्रबंध कर दो। चंगा पुत। भगत जी, तुसा मेरे ते दूजी बार एहसान किया है, ये उन्हों का दूजा जन्म है। पहले जुबान दिती ते फिर जान दिती। भोलिए भैने, तू भी तो त्यानू अखा की रोशनी दी सी। जे मंदिर विच एकादशी वाले दिन उस जहरीले कीड़े नू मेरी अख विचों कढ के फूका ना मार दी तां अज मैं अखों अन्ना हुंदा। याद है मैं कहा सी कि जिंदगी विच तेरे लई औखे तो औखा काम करन लई तैयार रहूंगा। वैसे भी भरा पैना लई औखे तो औखा काम करन लई तैयार रहंदे ने। हाँ हाँ, इस विच की शक है, जदों सहुरे जावेंगी उदों भरा दी लोड़ ज्यादा महसूस करेंगी। पर ओ ते तुहाडी जान दे दुश्मन ने। ये गल मेरी समझ विच नहीं आई कि सतीश मैनू मारना क्यों चाहुंदा है। सुने, तुसी उसदे पिता नूं आशीर्वाद देण नहीं गए। इधर ओ तुहाडे तरले करदा रहा ते उधर उस बेचारे दा पिता उसनु बिना मिलया ही सुर्गवास हो गया। ये झूठ है, इसलिए सतीश मेरे पास कदे नहीं आया। उदो नहीं आया सी, पर आज आया। भगत जी, मैं पापी हाँ, मैं पापी हाँ, घोर पापी हाँ। मैनू क्षमा कर दो भगत जी, मैनू क्षमा कर दो भगत जी, मैनू क्षमा कर दो भगत जी। मैं पापी हाँ, मैं पापी हाँ, मैनू क्षमा कर दो। क्यों मेरे सिर भार चाढ़ रहे सतीश? झुकना तो कुड़ी वाले नूं पैंदा है, उठ ते गले मिल। वेख की रहा है, उठ। हाँ त्यानुबा, त्यानुबा जी, लटा वाली माता जी, केरा वाली माता जी, त्यानुबा जी, केरा वाली माता जी, लटा वाली माता जी। मुंजी जी सब की याद कर लिया। तेनू एडे छेती सब की याद करने की ने कहा सी? पर मुंजी जी तुझे तो सुते पाए सी। अच्छा, मैं सुता पाया सी, पर मैं इसे सोना है कि पढ़ाना है। जा जा सब याद कर, चल। पर मुंजी जी सबक तो मैं याद कर लिया। हुन मेरा खड़ा भी छड़ेगा कि नहीं? चल जा सब से कर। इधर आ, इधर आ, इधर आ। की खाना है? मूंगफलिया। मूंगफलिया किथे? मूंगफलिया किथे नहीं है? कल मूंगफलिया कर 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 कर। वो टोपी च लई बैठा कसमा, सुन मैं करूं, मैं सोनू सीधा अज तो मुड़ के जमात मूंगफलियां लिया खादिया तो मैं मार मार के पा दू तू जा पा जाए तो आया सोरे पटे। हाँ भी कुतबू, ऐ दस बई दीने लाई का की मतलब होंदा है? मुंशी जी, दीने लाई का मतलब है खुदा दा मजहब। गलत। हाँ भाई धर्मू, तू दस दीने लाई का की मतलब है? दीने लाई साढ़े शहनशाह अकबर दा मजहब है। तू भी गलत है। हाँ भी बशीर, तू दस सकता है कि दीने लाई का की मतलब होंदा है? मुंशी जी, दीने लाई उसका धर्म है जो कि अपने बादशाह नू चार चीजा नालों वड्डा समझे। केड़ियां चार चीजा पुत्र? अपनी जायदाद, धर्म, अर्थ ते जिंदगी। ठीक है, शाबाश, बैठ जा। ए ने चार चीजा जेड़ा इंसान अपने आप बगैर किसी दे कहन कान ते ए चार चीजा बादशाह दे उते निशावर करन नू तैयार रहिंदा है, ओही सच्चा दीने लाई कहिंदा है। इसलिए बच्चो साडा सारिआं दा फर्ज है कि आपा बादशाह दा कहना मनिए। परशीद, धर्मू, कुतबू किथे पते जाने हो? ओए बेड़ा गर्क,
बच्चा पढ़ाई नालों तमाशा बड़ा प्यारा होता है। एक उन्हें रौला पाई जाते की जमाना आ गया। ये पागल लोग ना दीने लाई सीखे ना सीख देंगे, ये पखंड खत्म करना ही पड़ेगा। बादशाह सलामत नु खबर करते हैं। जहां अपना रुलदू झूठ बोलता है, मैनू इन्हें कोई अशरफियां नहीं दित्तियां। नाले इस कोल ते हाइक ते जान जोगे पैसे नहीं सन, ते फिर 1000 अशरफियां कोल कित्थों आईयां। चल जो जद तू गनू नू अशरफियां दित्तियां उदों उत्थे कोई गवाह सी जां तेरे कोल कोई कागजी सबूत है? हजूर सबूत ते मेरे कोल कोई नहीं ते ना ही कोई गवाह है। बीरबल इस मुकदमे का फैसला तुसी करो। जो हुक्म आली जा रुलदू जी, तू जदों गनी नू अशरफियां दित्तियां उस वेले उत्थे कोई ना कोई तो होना है। पशु पक्षी रुख दरख चंगी तरह याद कर। हजूर उत्थे पशु पक्षी ते कोई नहीं सी, इनू मैं अशरफियां एक अंब दे बूटे दे थले दित्तियां सी। बस मिल गया गवाह, जा अंब दे बूटे नू कह इत्थे आके गवाही दे। पर हजूर अंब दा बूटा इत्थे आएगा किवें? ओए अदालत नाल बहस नहीं करी दी, जा जाके अंब दे बूटे नू कह तैनू बीरबल ने दरबार च बुलाया है। पर हजूर जाके उनू मेरा सनेहा दे ते जेड़ा और जवाब दे ओ इत्थे लेके आ। दौड़ के जा ते दौड़ के आ पंजाबी। रुलदू ने बड़ी देर लाती है, दरबार की सारी कार्रवाई रुकी पई है। हुजूर तुसी दरबार की कार्रवाई जारी रखो, रुलदू एडी छेती नहीं आ सकता। क्यों क्यों नहीं आ सकता? हुजूर वो जगह इत्थों बहुत दूर है। बहुत दूर है, जहां बना गनी नू हुक्म फरमान के रुलदू दिया 1000 रुपया नू वापस कर देवे ते एनू दरबार च झूठ बोलन दी सख्त तो सख्त सजा दी जावे। माई बाप मैं ते अशरफियां लईयां ही नहीं ते ना ही कोई गवाह है। कुछ मुकदमे एहो जे भी होंदे न के जिन्हां दे फैसले सच्चाई दी नीह ते बगैर गवाहियां करने पैंदे न। जे तू रुलदू कोलो अशरफियां नहीं लईयां ते तैनू किस तरह पता है कि अंब दा बूटा इत्थों बड़ी दूर है? बीरबल जी मैनू माफ कर दियो, मैं लालच च आके झूठ बोल गया सा, मैनू बख्श दियो, मैनू बख्श दियो। गनी दी सजा है इस कोलो रुलदू नू 2000 अशरफियां दिलवाईयां जान। सिपाहियो ले जाओ इस छूटे नू। हुजूर माए बाप मैं गरीब आदमी 1000 अशरफियां वादू कितों देवांगा? उठो एक ते तू लेके मुकर गए पूरी 1000 अशरफियां लोगों का माल पाइए ना माल समझते हो चल माल नु अंदर कर दे। हजूरी आला शहनशाह हिंद जिले लाही जहां अपना मैं मुल्लापुर पिंड दे सरकारी मदरसे दा मुंशी हां ते तुहाडे पास एक फरियाद लेके आया हां। बयान हो। जहां अपना जान दी सलामती चाहंदा हां ते दीने लाही दी तरक्की चाहंदा हां। बस यही फरियाद है आली जा ए नाचीज मुंशी बच्चा नु ज्यो ज्यो दीने लाही दी तलीम सौंदा है त्यों त्यों तुहानू भगत एक बुत प्रस्त बंदा बच्चों के दिलों में माता जोता वाली की महिमा पा रहा है। त्यानू भगत कौन है? पहले भी मां बदौलत ने इसका नाम सुनिया है। आलम पना इस भगत की लोकां च बड़ी चर्चा है। जिले इलाही ये तो दीने इलाही दे राह च रोला जे इस नू हटाओगे ताइयो साडी सिरख पाई का कोई सिट्टा निकल सकता है। दूर मुंशी जी महसूस हुंदा है तुसी बच्चों नू पढ़ांदे पढ़ांदे थक गए हो। नहीं नहीं हजूर ये गल नहीं, मैं तो चीकनी मिट्टी का बनया जड़ी एक बार चिंबड़ जाए तो छेती ला लैंदी नहीं। फिर फरियाद क्यों? वो इसलिए आली जा कि तैनू वर्गे मशहूर बंदे नू फड़ के दीने लाई विच लियाउण नाल अपना काम आसान हो जाता है। मुंशी
मुगलिया दरबार के उसूलों नूं तोड़न की कोशिश ना करो। तुहानूं पता होना चाहिए है कि दीने लाई किसी से जबरदस्ती थोपिया नहीं जा सकता, किसी भी मजहब के खिलाफ वरतिया नहीं जा सकता। गुस्ताखी माफ जहां अपना, क्यों ना त्यानू नूं बुला के समझाया जाए, हो सकता है खुशी नाल दीने लाई कबूल कर ले। इस गल की इजाजत है, त्यानू भगत नूं बाद अब बुलाया जाए। जो हो जग तेरे मंदिर च आयो भोली मां, जग तेरे मंदिर च आयो भोली मां, जग तेरे मंदिर च आयो भोली मां। फौजदार जी, ओ जे त्यानू भगत जिदे हाथ भी तरसूल है। त्यानू भगत रुक जा, मैं शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का फरमान लेके आया। फौजदारा की फरमाते हैं साढ़े बादशाह? तुहानू ऐसे वेले दरबार विच हाजिर होने लिए क्या है? पर असी ता सारे यात्री दरबार विच ही जा रहे हैं, उस लाटां वाली मां दे दरबार विच। उस तो पहले तुहानू बादशाह दरबार विच जाना पेगा। आ नहीं हो सकता, बादशाह साड़ी यात्रा च विघन नहीं पा सकता। यात्रा से जाओ त्यानू सारे नाल जाएगा। असी भगत जी तो अलग हो गए, यात्रा से नहीं जा सकते। कहां फिर इत्थे इंतजार करो, जदो त्यानू बादशाह नूं मिलके वापस आ जाए फिर यात्रा से जाना। नहीं नहीं, नहीं हो सकता, असी भगत जी मेरा नहीं जाना। तुहाडी है हिम्मत? बादशाह दी हुक्म दूजी करदे हो? सब नूं काल कोठी च बंद कर दांगा। फौजदार जी, तैश विच आउण दी लोड़ नहीं, इह सारे जाणदे ने कि इहनां दा बादशाह बड़ा दयालु है, वो प्रजा से सख्ती करने का हुक्म कदे नहीं दे सकता। ओए बहुत प्रस्त इंसान, सी तरह साढ़े नाल चलना है के दूसरे टंग नाल लेके चलिए? फौजदार जी, तुसी जबरदस्ती करके तो विखाओ। सतीश, तुसी माता दे दरबार पहुंचो, मैं बादशाह दरबारों होके तुहाडे कोल पहुंचांगा। पर भगत जी, ए तो ज्यादती है। नहीं सतीश, उस सच्चे दरबार विच तां साडियां भुलां माफ हो जाणगियां, पर झूठे दरबार विच बिना भुलां वी सजावां मिलदियां ने, क्योंकि दरबार हमेशा रहण वाला नहीं, इसलिए अपना डेरा कूच करने तो पहला सारे काम कर लेना चाहता है। जय माता दी। जय माता। चलो फौजदार जी, चलो। त्यानू भगत, महाबदौलत ने सुनिया है कि पिंडा विच तुहाडी बड़ी चर्चा है, लोग तुहानू पैगंबर दी तरह मनदे ने। शहनशाह नूं इस विच मेरा कोई दोष नजर आ रहा है? महाबदौलत ने तुहानू दोषी समझ के नहीं, हितैषी समझ के बुलाया है। गुस्ताखी माफ जहां अपना, ऐस बुत प्रस्त ने जो शाही दरबार के खिलाफ लफज कहे ने, जे इजाजत होवे ते बयान करा। नहीं फौजदार, भगत के खिलाफ महाबदौलत कोई तोहमत नहीं सुनना चाहते। शहनशाह हिंद, फौजदार जो दसना चाहता है मैं खुद बयान कर देता हाँ, जो उस विच मेरा कोई दोष होवे तां सजा भुगतने लई तैयार हाँ। मैं लाटा वाली माता दे दरबार नूं सच्चा दरबार कहिंदा हाँ, जो कि सदा रहण वाला है, ते शाही दरबार नूं झूठा दरबार कहिंदा हाँ, क्योंकि यह सदा रहण वाला नहीं। तैनू भगत, महाबदौलत ने तैनू इस लई बुलाया है कि तू दीन इलाही अपना के अपने शहनशाह की मदद कर। इसका मतलब मैं समझा नहीं शहनशाह। महाबदौलत चाहते ने क्यों ना दी रहा है फिका परस्ती तो छुटकारा पावे, अलग अलग धर्मां नूं छट के दीने इलाही अपनावे, पर दरबार वालों जबरदस्ती नहीं कीती जावेगी। शहनशाह हिंद, रिया दे भले लई सोचना तेरा काम है, पर ये भी तां सोच, तेरे भले लई सोचना किसदा काम? घमंडी है,
तैनू दे घोड़े दा सर कलम किता जाए, जिस दी माता विच शक्ति है ता मुर्दा घोड़े नू जिंदा करे। दरबार लेके आया मैं पुकार, माँ तेरे दरबार लेके आया मैं पुकार, तैथों मंगा पलिवार, जोतां वालिए नीलाटां वालिए, माँ जोतां वालिए नीलाटां वालिए, माँ तेरे दरबार लेके आया मैं पुकार, तैथों मंगा पलिवार, जोतां वालिए नीलाटां वालिए, मां जोतां वालिए नीलाटां वालिए। विच तूफान दे किरिया बेड़ा, किरिया बेड़ा, तेरे बिना मेरा दर्दी केड़ा, दर्दी केड़ा, बचड़ा तेरा मां, बचड़ा तेरा, अर्जा करदा ला दे ले पुकार, जोतां वालिए नीलाटां वालिए, मां जोतां वालिए नीलाटां वालिए। पुकार जोतां वालिए नीलाटां वालिए, मां जोतां वालिए नीलाटां वालिए। हे जगदम्बे हे महामाया, हे महामाया, सिर दे बल मैं चल के आया, चल के आया, जे तो अज ना, जे तो अज ना, घोड़ियो माता सीस पुकार, जोतां वालिए नीलाटां वालिए, मां जोतां वालिए नीलाटां वालिए, मां तेरे दरबार लेके आया मैं पुकार, तैथों मंगा पलिवार, जोतां वालिए
ਨਿਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮਾਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀਏ ਨਿਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮਾਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀਏ ਨਿਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮਾਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀਏ ਨਿਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀਏ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਮਰ ਜੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਤਰ ਜੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਚੰਨੀ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ अकबर बादशाह ने मेरे घोड़े नु मरवा दिता है वो तेरे पग दी परीक्षा लेनी चाहुंदा है मां बादशाह घमंडी है अत्याचारी है वो मेरी ने तेरी परीक्षा लेनी चाहुंदा है मां तैनू चंगे इंसान दा काम है सच्चे मार्ग ते चलना ते कर्म करदे जाना किसी नाल वैर विरोध ना रखना पर मां मेरा घोड़ा जिंदा है घोड़ा जिंदा हो गया कुतबुद्दीन असीं मारे गए आलम पलां ने कहा सी कि घोड़ा जिंदा हो जाए तो मैनू फौर ने तलाक देना ते मैं ते तेनू कहने सा वारी वारी सो लैने ते तू कहने सा कदी मुर्दे विच भी जान पै सकती है ओए कुतबू जड़ी अनहोनी गल होनी सी हो गई हुण ऐ सोच कि असीं अपनी जान किस तरह बचाईए ओए झूठ बोल देंगे कहांगे साडे सामने जिंदा होया वाह कुतबुद्दीन वाह ए होई ना गल पर यार कुतबू जे उन्होंने सानू पूछया कि घोड़ा जिंदा किस तरह होया सी पहले सर उठिया सी कि तड़ फिर असी की जवाब दांगे ओए कहांगे दोनों इकट्ठे उठे सी उल्लू दा अठा ना होवे ता ओए कटया होया सर किस तरह उठ सकदा है ओए जिस तरह कटया होया तड़ उठ सकदा है तू इंज कर तू कही मैं सुता होया सी कुतबू ने सब कुछ वेख्या है ठीक है बाकी मैं संभाल लांगा ठीक है बिल्कुल ठीक आ जा चल ओए खोतिया तू मैनू बेवकूफ बना रहा है मेरा तू पता कटवाना चाहना मैं इत्थे प्यारा दिन आया सी या सोना आया सी ओए असी फौजदार नु कुछ भी कह देंगे आगे वो आपे संभाल लेगा ठीक है हां ए होई ना गल चल चलिए फौजदार जी बुआ खोलो फौजदार जी ਛੇਤੀ ਕੋਲੋ ਫੌਜਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਲਾਓ ਫੌਜਦਾਰ ਜੀ ਓਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫੌਜਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਕੋਲਾ ਜੀ ਪਿਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਦਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਤਬੂ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਐ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕੋਲਾ ਹਿਲਕਦਾ ਬੜਾ ਜੇ ਹਿਲਕਦਾ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸਿਰ ਅੱਡ ਪਿਆ ਸੀ ਧੜ ਅੱਡ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਚੀ ਜੀ ਖੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਸ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਕੂਫ ਕਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਧੜ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਨ ਉਹ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਉਹ ਖੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਪੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਖੜਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਲੂ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲਾ ਹਿਣ ਕੇ ਤੇ ਨੋਕਿਆ ਐ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੜ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ
फिर असि तुम नमूना खिंच के विखा दें। आ जा फजलू, मरवाना आजा फजलू, तो उ जाके घोड़े का सिर बन जा। हजूर ए हो गया घोड़े का सिर। अच्छा, मैं हो गया घोड़े का। ठीक है फजलू, तैयार। हजूर तुसी सियाने हो, आप ही समझ लो, साडे लिए दसना बड़ा मुश्किल है। आज ही बड़ा मुश्किल है। बाकी घोड़ा जिंदा हो चुका है, खड़ा हो चुका है, वो किस तरह हुआ है, इस गल ते मिट्टी पा दियो। मिट्टी पा देंगे, पर जेडी मेरे सिर सवा पू कौन संभालू। ये जादूगर का बच्चा इतो तक चक्कर चला दूगा, एना मैं बिल्कुल नहीं पता। फौजदार मैं डर लगता कि जहां अपना मेरे होटल ना हो जा। घबरा ना फौजदार, तेन घबराने की कोई लड़ नहीं। गपियो जाओ घोड़े को। इस चमत्कार ने महाबदौलत के इरादे नूं टकमगा दिता है, ते सोचन लई मजबूर कीता है कि वाकई त्यानू भगत दी जोतां वाली माता विच शक्ति है। जहां अपना जान दी सलामती जाना, जे शहनशाह ने इस जादूगरी नूं मन लिया ते दीने इलाही दी तरक्की नामुमकिन है। फौजदार सच्चाई नूं छुटलाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। जहां अपना सुनिया माता दे मंदिर विच कोई जोतां जगदियां ने, ते सारी जादूगरी वह जोतां विच है। जे वह जोतां बुझा दियां जान ते चमत्कार नहीं हो सकता। फौजदार तुसी जिस चीज नूं जादूगरी कहंदे हो, महाबदौलत उसनूं शक्ति कहंदे ने। याद रहे जादूगरी ते शक्ति विच इना फर्क है जिन्ना रात ते दिन विच। जहां अपना सानू अपना शक दूर करन दी इजाजत दित्ती जावे, जे जोतां बुझण दे बाद ही त्यानू दी माता दा चमत्कार इस तरह चलदा रहा, तां असीं अपनी हार मन लवांगे। इस मसले विच कोई कुछ कहना चाहता है, महाबदौलत बाखुशी सुनेंगे। ठीक है फौजदार, तुसी अपना शक मिटा लो, पर ध्यान रहे मंदिर विच मंदिर के उसूलों का ख्याल रखा जाए, पवित्र स्थान की बेद भी नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म हजूर। जय माता दी। मां सानू जान दी आग्या दे ते आशीर्वाद दे कि अगले साल फिर आके तेरे दर्शन करिए। अगले साल तुम इतने आने की लोड़ ही नहीं पेगी। कौन फौजदार, तुसी मेरा घोड़ा लेके आए जे? ओए तन्नू किस तरह पता लग गया कि तेरा घोड़ा जिंदा हो गया? मैं समझा शायद तुसी इसे करके आए हो। असि यह पखंड हमेशा हमेशा वास्ते खत्म करना आया। सिपाहियो बुझा दे जोता। फौजदार जी ए जोता बुझा ली, तवे दी लोड़ नहीं हैगी। असि फूका नाल ही बुझा देंगे। आओ रुक जाओ, पहले अपनिया जुतियां उतारो फिर मंदिर में जाओ। और थल्ले उतर तू। ओ गपियो जुतियां लाओ तो अंदर जाओ, जल्दी करो। लद गए जुतियां, चलो भाई अंदर। आजा 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 चलो चलो आई जुते। हां ये सही है। ओए अंदर आ अंदर आ, इधर ले इधर रख इधर रख। बुझ गया जुता। ओए लू दे ते किथे बुझिया, देख जरा ध्यान नाल। ओहो फजलू कटियां फूका मारनिया पैनिया। कटियां शुरू हो जा। ठीक ही कहना सी, तवे नाल ही काम बनेगा। लिया तवे। भगत जी ये की अंदर तो रहा? शांत पुजारी जी शांत। चलिए
अजलू तवा तो बिल्कुल ठंडा है। फौजदार जी जोता तवे फाड़ के ऊपर आ गया जे। ओए की करते हो? जय जोता। पानी 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 मिल गया। हाथ 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 सिपाहियों, ऐस पानी डालो मंत्र वाल मोड़ दियो। फौजदार जी ऐना जुल्म ना करो, नदी दे पानी भी तो मंदिर ही उड़ जाएगा। और उड़ जाए तो उड़ जाए, मैं जोता बजा के जाना। पुजारी जी क्यों पत्थरां मत्था मार रहे हो? माता दे भरोसा रखो, जोता वाली अपने मंदिर दी रखवाली आप करेगी। जल्दी करो और उठाओ, जय माता दी, जय जोता वाली दी, जय माता दी, जय जोता वाली दी। तो गुस्तां दा नाश करने वाली माता दे मंदर नू बचाओ, पानी नू बन मारो। महाबदालत दे वजीरा नू हाला भी शक है। अफसोस ए वजीर अपने बादशाह नू इस मसले विच सही राय नहीं दे सके। बीरबल तू क्यों चुप है? तैनू तो जोता वाली माता दी शक्ति बारे ज्ञान होवेगा, तू क्यों नहीं अपने बादशाह नू इस तू जाणू करवाया? जहां पना इधर बादशाही ताकत उधर माता दी ताकत, बंदे ने चुपरान जी भला समझिया। महाबदालत अच पहली बार महसूस कर रहे हैं कि बीरबल वर्गा दानिशमंद वजीर बुजदिल है। जहां पना मेरी चुप बिच बुद्धि घट ते दानिशमंदी ज्यादा सी। इस बयान दी पुष्टि लई कोई ठोस दलील? जहां पना जे मैं उस वेले मां दी शक्ति दे बारे च कहंदा ते मेरे सरकार मेरे ते शक कर दे, जे मैं मां दी शक्ति दे बारे च इनकार करदा ते झूठा बंदा ते मां दे दरबार चों धक्के खांदा। इसका मतलब है कि माता विच शक्ति है। महाबदालत ए ऐलान करन विच खुशी महसूस करते ने कैसे खुद माता दे दर्शन करन चलांगे आज ही इसी वक्त। शक्तिशाली एक बादशाह गल विच पल्ला बाके अज सच्चे दरबार च चलिया
अपना शीस झुका के। नंगी नंगी पैरी देवा अकबर आया, नंगी नंगी पैरी हो आया, मेरी माँ तेरे दर्शन नू, नंगी नंगी पैरी अकबर बादशाह हंकार जरूर टूटेगा। जहां उस पास आइए 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 जी आया नू माता दे दरबार दे विच आइए। जय माता दी जय माता दी। मां अज तक तेरे कई भगत होए होंगे पर जलालुद्दीन अकबर वर्गा कोई नहीं होगा। मैं तेरे वास्ते सब तो वड्डा सोने का छत्तर लेके आया। Thank you.
स्वीकार नहीं किया। मेरा की दोष है मां, मेरे नाल ये बेइंसाफी क्यों की? तेरे द्वार ते इको धर्म वाले आ सकते नहीं? शहनशाह हिंद, माता दे द्वार ते हर उस बंदे का स्वागत है जिस विच हंकार ना होवे। त्यानू भगत, माता ने मेरी भेंट नू ठुकरा के एक शहनशाह तो फकीर बना दिता है। तुसी मेरे लिए फरियाद करो, माता को खिमा बख्शाओ। शहनशाह, माता दे दरबार विच अमीरी गरीब भी इको पल्ले तुलदे ने। हंकारियां दा नाश करना, भुल्लिया नू राहे पाउणा माता दा कर्तव्य है। तुसी खुद हंकार परे लफ्ज़ बोलने की खिमा मंगो, माता तुहानू अवश्य खिमा करेगी। मां, इस नाचीज नू पहला शंशाद दिया बख्शीशा बख्शिया ते फिर कहंदे हो कि मान ना कर। मैं हंकार नहीं, मान किता है मां। ते जे मेरे मान नू अहंकार समझिया गया है तो मैं खिमा चाहता। बंदा बोलन हार है मां, तू बख्शन हार है। मैनू बख्श ले, मैनू बख्श ले मां। माता लाटा वाली दी, माता लाटा वाली दी, माता लाटा वाली दी। आज एक गल चट्टान वर्गी पक्की हो गई है कि वाकई भक्ति विच शक्ति है। त्यानु भगत, महोदर तेरे ऋणी हैं। त्यानु भगत दी जय, माता लाटा वाली दी जय, माता ज्योता वाली दी जय, माता ज्योता वाली दी विनंती। सजना रंग बसंती हे दुख पंजन सुख दाती, सन सुख होवे दिन राती, जो तेरा नाम ते आवे मंगिया मुरादा पावे।